मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें छोड़ देंगे। मामा पापा की तुम फिक्र नहीं करना, उन्हें मैं कह दूंगी कि मैं अपनी मर्जी से तुमसे शादी से इनकार कर रही हूं। तुम जाओ, अपनी जिंदगी जी लो। मोहब्बत मोहब्बत पा लेने का नाम थोड़ी है, मोहब्बत तो हासिल और ला हासिल के बीच कश्मकश का नाम है। और मैं तुम्हारे लिए ता उम्र इस कश्मकश में मुब्तला रहने के लिए तैयार हूँ। हेलो ड्रामा क्वीन, अगर तुम्हारे ड्रामे खत्म हो गए हो तो जल्दी से चूल्हे पर चाय रख दो। आज नबील का नौकरी का पहला दिन था, उसके आने का वक्त हो रहा है। इन लोगों के चाय के चक्कर ने ना मेरी कोई चाह नहीं पूरी होने देनी। कहीं किरदार में घुसकर दुनिया फानी से कूच तो नहीं कर गई? इतनी जल्दी नहीं मरती मैं। एक ये जन्नत है जिसकी जिंदगी वीडियोस बना बना के जन्नत हो गई है, और एक मैं अनिला जहन्नुम में जिसकी जिंदगी चाय बना बना के जहन्नुम हो गई है। चल अनिला, अब उठ के चाय बना ले, क्योंकि अगर अम्मी के लाडले नबील साहब तेरे चाय बनाने से पहले घर आ गए ना तो तेरी बिरयानी बन जाएगी। आफरीन है भाई आजकल की नई नस्ल पे। तो एक कप चाय बनाने का क्या कह दिया, आंखें दिखा रही है मुझे। खाना बनाने का क्या दूंगी, तो गला ही काट देगी मेरा। भाई मैं तो कह रहा हूँ आज खाना पकाने का क्या ही दे, आपकी भी जान छूटेगी मेरी भी जान छूटेगी। आपसे तो बस ये फजूल बातें करवा लो। अरे भाई ये खुशी के मौके पर कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग। छोड़े मामू, ये ले मिठाई ले। भाई आज मेरे बेटे की जॉब का पहला दिन हो, मिठाई तो बनती है। अरे रखे इसे वापस, ये खुशी का दिन कहीं अफसोस का दिन ना बन जाए। बेगम मेरी शुगर कंट्रोल में है। शुगर कंट्रोल में ना, तो आप भी जरा कंट्रोल में ही रहें। आ, मामी आप ले। देखो बेटा जाके अपनी वालदा को खिलाओ मिठाई, इस पे पहला हक तुम्हारी वालदा का है। पता नहीं कितनी मुद्दत से उन्होंने इस दिन का इंतजार किया। बिल्कुल ठीक कह रही है तुम्हारी मामी, पहले अपनी अम्मी को खिलाओ फिर किसी और को। जी मामू। जाओ शाबाश। भाई नबील ने कभी एहसास नहीं होने दिया कि हमारा सगा बेटा नहीं है। आपने भी तो उसे कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। और अब ये बताइए कि चाय की मौजूदगी में किस चीज की कमी है। पकौड़ों की। भाई जल्दी से पकौड़े ले आओ, जाओ जाओ जल्दी। उसका चाय बनाने पे इतना मुंह बना, आपने पकौड़ों की भी फरमाइश। चाय पीना। जिंदगी गुजर तो रही है लेकिन कट नहीं रही, और वक्त गुजरने के साथ साथ हयात का ये सफ़र मुख्तसर नहीं बल्कि तवील होता जा रहा। कुछ बातें कुछ शिकवें हैं, वक्त मिला तो करूँगी तुमसे। और वो वक्त कब आएगा इसकी मुंतज़िर मैं भी हूँ और तुम भी। शर्म तो तुम्हें आती नहीं है ना? अरे क्या तुम मेरी डायरी पढ़ रहे हो? अरे अनिला आपके साथ रह रहकर हम भी बेशरम हो गए। किसी की पर्सनल चीजों को उठाकर इस तरीके से पढ़ना मौजिब शायरी को जेब नहीं देता। देखो अनिला तुम कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रही है, तुम्हारे और मेरे बीच कुछ पर्सनल नहीं। ये गलतफहमी कब हुई तुम्हें? मेरा मोबाइल पकड़कर ना सिर्फ तुम मेरे मैसेजेस पढ़ती हो बल्कि उनका रिप्लाई भी कर देती हो। मैंने तो कभी हंगामा नहीं खड़ा किया। क्योंकि नबील तुम लड़के हो और लड़कों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो हम लड़कियों को। तुम अपनी जिंदगी से इतनी शिकायतें क्यों है? शिकायतें नहीं है मुझे जिंदगी से, बस एक ही शिकायत है और वो है ये चाय। सुबह की चाय, दोपहर की चाय, शाम की चाय, चूल्हे पे गैस आए ना आए पर चाय सबको टाइम से मिल जाए। अरे अनिला मैडम जहाँ चाह होती है वहीं तो चाय होती है। अगर हमारे दूल्हे मियाँ चाय के शहदाई निकले तो। जिंदगी में ना मेरी बस एक ही ख्वाहिश थी कि जिससे मेरी शादी हो ना उसे चाय पसंद ना हो, और अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें चाय बिल्कुल पसंद। आज का दिन बहुत ही अच्छा है, नबील को नौकरी भी मिल गई, और बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी मुखी में जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली है उनको फ्लाइट की टिकट्स भी मिल रही है। अगर कोरोना की वजह से फ्लाइटें बंद नहीं हुई होती तो अनिला अपने घर की हो गई होती, और लॉकडाउन की वजह से शादी जो है वो एक साल ताखिर का शिकार हो गई। अरे ताखिर क्यों, अब तो अपने कंधों का ये बोझ उतार देना चाहिए
और कब आ रहे हैं हमारे दूल्हे राजा हमारे कंधों का ये बोझ उतारने के लिए? वो लोग तो कल ही आ रहे हैं। अच्छा। शर्म आ गई। हे अल्लाह, इस तरह मेरे भाई ने मेरे खुशियों का ख्याल रखा है, मेरे बेटे का ख्याल रखा है। इसी तरह उसकी बेटी हमेशा अपने घर में खुश रहे और उसकी हर परेशानी करो मेरी तरफ मोड़ दे। हे अल्लाह, मेरे भाई को हमेशा खुशियाँ, तू रहम करने वाला। बेटा, तुम्हें पता है रेहान मुख्तसर दौरानी के लिए पाकिस्तान आ रहा है, इसीलिए अनीला की शादी जो है अगले हफ्ते तय कर दी गई है। जी अम्मी। बेटा, तुम तो जानते हो तुम्हारे अब्बू के बाद तुम्हारे मामू उमानी ने हमारा ख्याल रखा, हमें सहारा दिया, हमें घर दिया और इस माशरे में हमें अकेला नहीं छोड़ा। जी अम्मी। उन्होंने तुम्हें बेटा बना के रखा है। अब मैं ये चाहती हूँ कि जब उनको सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत हो तो तुम बेटा बन के दिखाओ, उनके हर काम में साथ नहीं दो बल्कि उनका हर काम खुद करो, उनका सहारा बनो। अम्मी, ये भी कोई कहने की बात? मुझे अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपको और मामा मामी को कभी मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। खुश रहो बेटा। अब कुछ लोग काम के लिए बुलाए, वो आ रहे हैं, मैं सामान लेकर आता हूँ। हाँ जाओ, जाओ सबश। सब कार्ड बढ़ गए ना, कोई रह तो नहीं गया? चलो शुक्र है यार, मेन काम तो खत्म हुआ। अरे मजीद साहब, जब आपको पैसे आपकी मर्जी के मिले तो मुझे मेरा काम तो मेरी मर्जी का चाहिए ना। अरे कब हो जाएगी भाई डिलीवरी? लड़के वाले लड़की को जोड़ा पहनाने के लिए आ रहे हैं। अरे भाई, सारी उम्र मेरे मामू ने मेरी फिक्र करी है, अब जब उनकी फिक्र की बात आई तो फिक्र तो मुझे होगी ना, ऐसे थोड़ी होता है। ओके। अरे दुल्हन जी, अभी तक तो सास का दीदार नहीं हुआ और अभी से होश उड़ गए। शाम के 4 बजे आपके मुंह पे 12 बज गए। नबील, वो पापा। क्या क्या हुआ मामू? उन्हें शायद हार्ट अटैक हुआ है। What? Oh my God! मामा आपको? अरे बेटा, तेरे मामा का दिल कमजोर हो गया है, अब कोई लेगा नहीं। सारी जिंदगी तेरी मामी के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। अगर कोई परेशानी थी तो आपको मुझे बताना चाहिए था ना। अनिला की शादी सर पर है और आप ऐसे बिस्तर पर लगे हैं, इतने सारे काम हैं, इतनी भागदौड़ है, मुझसे तो अकेले नहीं हो पाएगा ये सब कुछ। उसकी नौबत नहीं आएगी बेटा। मैं जानता हूँ मेरे मामा कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। समझ नहीं रहे हो बेटा, अब शादी नहीं होगी। शादी नहीं होगी? पर क्यों? आए अख्तर भाई, आइए आइए आइए, बैठे आइए भाभी, आइए आइए बैठे। तशरीफ रखे भाई, अपनी अपनी जगह देख के बैठ गए। क्या बात है भाई, क्या बात है। अच्छा वो मैं ये कह रहा था कि अख्तर भाई, आपको तो रात को खाने के लिए बुलाया था, आप शाम में आ गए। वो बात कुछ जरूरी थी, कुछ जरूरी बात करनी थी आप लोगों से। हाँ कहिए। समझ में नहीं आ रहा कि किस मुंह से कहूँ। वाह, आपने भी अजीब बात कर दी है भाई। एक ही मुंह है आपके पास, जो भाभी ने इतने अरसे से बंद किया हुआ है, उसी से कह दें। वो बात यह है कि अरे भाभी, अगर अभी तक दर्जी ने कपड़े सी के नहीं दिए तो परेशान ना हो,
हमारी बेटी ने बहुत सारे सूट अपनी खुशी से सिलवा लिए। अनीला तो बहुत अच्छी बच्ची है और मेरी ख्वाहिश थी कि वो मेरी बहू बने, लेकिन लेकिन क्या भाभी? दरअसल रेहान ये शादी नहीं करना चाहता। शादी नहीं करना चाहता? लेकिन अचानक क्या हो गया? लेकिन रेहान ने तो अपने वापस आने की खबर खुद दी थी और नबीन ने तो अब तक सारे कार्ड बांट दिए होंगे। देखें, अगर आप लोगों की कोई और डिमांड्स हैं तो प्लीज़ हमें खुलकर बताएं। देखिए, ऐसी बात करके आप हमें शर्मिंदा ना करें। लेकिन अख्तर भाई, कोई तो वजह होगी ना? दरअसल जब रेहान और अनीला की शादी की तारीख तय की गई थी तो लॉकडाउन की वजह से फ्लाइट्स पर पाबंदी लग गई थी। अख्तर को बैरूनी मुल्क बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, उसके नौकरी जाने का भी इम्कान था। तो क्या तो उसने सेट होने के लिए बाहर ही शादी कर ली है? भाई, इस बात से तो हम बिल्कुल लाइल्म थे। रेहान तो पाकिस्तान आकर सिर्फ हमारे लिए ही शादी करना चाहता था और शायद वो शादी के बाद दोबारा जाता भी नहीं। जब उसकी बीवी को इस शादी का पता चला तो उसने उसका पासपोर्ट भी छुपा दिया और उस पर केस करने की धमकी भी दी, तो मजबूरन रेहान ने आज हमें ये सब बताया। क्या हुआ भाई? अरे भाई, क्या हुआ? क्या हुआ आपको भैया? क्या हुआ आपको? इनकी तो तबीयत खराब हो रही है। डॉक्टर को बुलाओ। पानी लेकर आइए ना, पानी लेकर आइए। हाँ हाँ, मैं भी पानी लेकर आती हूँ। शादी की सारी तैयारियां हो गई, अजीजों के अकारिब में कार्ड बांट दिएगा और शादी से कुछ दिन पहले इस तरह का जवाब आ जाना, लोग न जाने कैसी ऐसी बातें करेंगे। भाभी, ये वक्ती परेशानी है। अल्लाह ने आखिरी वक्त पे फरेब खोल के आपको आने वाली परेशानी से बचा लिया। जो परेशानी आनी थी ना, वो तो आ गई। मेरी बेटी पे तो ठप्पा लग गया ना। जो भी हो, हमारे माशरे में ना लड़की के किरदार पर ही उंगली उठाई जाती है। मैं नीला की कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसको दिखाती फिरूंगी? कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? भाभी, जैसे अनीला आपकी बेटी है ना, ऐसी मेरी भी बेटी है। अगर नबील की पहले नौकरी लग जाती और अनीला का कहीं रिश्ता नहीं होता तो अनीला का हाथ तो मैं ही मांग लेती। शायद अल्लाह की इसी में बेहतरी है। अगर आप चाहें तो उसी तारीख को अनीला की और नबील की शादी हो सकती है। अरे अम्मी, आपने मुझसे पूछे बगैर मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिए? कम से कम आपको मुझसे पूछना तो चाहिए था। मेरा बेटा मेरे फैसले का मान रखेगा, बस यही सोच के मैंने तुमसे पूछे बगैर फैसला कर लिया। आपने गलत फैसला किया है अम्मी। तुम्हारी शादी का फैसला गलत किया है या अनीला से तुम्हारी शादी का फैसला गलत? दोनों। देखो बेटा, तुम्हारे मामू के हम पे बहुत एहसानात हैं। उन्होंने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा। और जब अब उनको हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है तो तुम पीछे हट रहे हो। अम्मी, साथ देने के और भी तरीके होते हैं, मुश्किल से निकलने के और भी रास्ते हो सकते हैं। इस तरह जज्बात में किए गए फैसलों का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। अम्मी, मामू ने तमाम उम्र हम पर शफकत का जो हाथ रखा है, अगर हम उसका बदला ऐसे चुकाएंगे तो सारी उम्र मामू हमारे सामने सर नहीं उठा पाएंगे। देखिए अम्मी, मैं आज जो कुछ भी हूँ, आप सबकी बदौलत हूँ। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो शायद मैं मामू से और मामू मुझसे नजरें ना मिला पाए। और अगर तुमने अनीला से शादी नहीं की तो सारी उम्र तुम मुझसे नजरें नहीं मिला सकोगे। या तो अगले हफ्ते तुम्हारी शहनाई बजेगी या मेरी सफ़ेद मातम, समझे तुम? अम्मी, अम्मी, नबील का क्या कहना है इस बारे में? नबील भला क्या कहेगा, आप तो जानते हैं नबील और अनीला की कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। देखो नबीला, अंडरस्टैंडिंग होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपस में शादी कर दी जाए या शादी के लिए राजी किया जाए।
मैं कई दफ़ा देखा गया है कि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है लेकिन शादी नहीं चलती, और कई दफ़ा ये भी देखा गया है कि अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं होती है लेकिन मियां बीवी दोनों ज़िंदगी की तमाम खुशियां समेट लेते हैं। लेकिन देखो बात सुनो, नबील को हमने अपने बेटे की तरह पाला है, वो भी बगैर किसी मुफाद के, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि किसी के दिल में भी ये ख्याल आए कि हम अपने किए का सिला मांग रहे हैं। ठीक कह रहे हैं आप, मैं शायद बेटी की खुशी में कुछ ज़्यादा खुदगर्ज हो गई थी। एक और बात याद रखना नबीला, अगर तो नबील शादी के लिए हाँ कर देता है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर इनकार कर देता है तो हमारा रिश्ता वैसे ही रहेगा, कोई फर्क नहीं आना चाहिए रिश्ते में। नबील हमारा बेटा है और हमारा ही रहेगा, आप शायद भूल रहे हैं नबील का नाम इस नबीला ने रखा है। अच्छा भाई, वो अनीला का है, कई दिनों से उसके हाथ की चाय नहीं पिए। मैं बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं, बना के नहीं लानी, चाय बनवा के लानी, वो भी मेरी बेटी के हाथ से, जल्दी जरा। या अल्लाह, तू ही अपने बंदों को मुश्किलात देता है और उनको आसानी पैदा करता है, इस कड़े वक्त में हमारी मदद फरमा, आमीन। अजीब खेल है ना किस्मत का भी मेरे मौला, जिसने धोखा दिया, वादा खिलाफी की, वो ज़िंदगी के इस खेल में सुरखरू है, और एक मैं जिसने अपने वालदैन की उम्र भर अताहत की, उनकी हर बात पर लब्बैक कहा, आज उसकी ज़िंदगी तमाशा बन गई है। एक ने मेरी मर्जी के बगैर, मुझसे पूछे बगैर मुझे ठुकरा दिया, तो दूसरे की कबूलियत की मैं मुंतजर हूं। इतना हकीर तो तूने मुझे बनाकर नहीं भेजा था, जितना हकीर इन दुनिया वालों ने मुझे बना दिया है। कितनी देर हो गई है अम्मी आपको मुझसे खफा हुए, ना मेरी तरफ देख रही हैं ना मुझसे बात कर रही हैं। क्या बात है बेटा, आजकल तो अपने बाबा के पास बैठ नहीं रही हो। बाबा वो और भी काम होते ना करने के। बेटा काम तो पहले भी बहुत होते थे, अब भी तुम बैठती थी ना अपने बाबा के पास।
अब दो दिन में ये ऐसे कौन सा काम आ गया कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है मेरे पास बैठने के लिए? क्या गलत है क्या सही, मैं जानता हूँ अम्मी, आपने मेरी खुशियों के लिए अपनी तमाम ख्वाहिशात का गला घोंट दिया, लेकिन अम्मी मैं अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट कर भी कभी किसी को खुश नहीं रख सकूँगा। अनीला घर की बच्ची, एक बार तुम अपने मामू के बारे में तो सोचो, उन्होंने तुम्हें औलाद की तरह पाला है और कभी तुम्हें बाप की कमी तक नहीं होने दी। उन्हीं का सोचकर तो मैंने अनिला से शादी के लिए मना किया है, वरना मैं भी रेहान की तरह हाँ कर देता। बेटा रेहान की असलियत इस तरह हमारे सामने खुल जाना हमारे हक में ही बेहतर है, वरना पता नहीं वो क्या करता। जी बाबा। और तुम तो जानती हो तुम्हारे फुफ्फड़ नबील और तुम्हारे बारे में, बेटा एक बात हमेशा याद रखना, मैं कोई भी फैसला तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं करूँगा और तुम हम पे कोई बोझ नहीं हो। अगर हालात देखे जाएं तो इस वक्त इससे बेहतर फैसला कोई नहीं हो सकता। अनिला से तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, ये मेरा फैसला है। और अनिला में क्या कमी है? अनिला में कोई कमी नहीं है अम्मी। तो फिर इनकार की वजह? देखो बेटा, अनिला की और तुम्हारी शादी से हमारे रिश्ते और भी मजबूत हो जाएंगे और लोगों के मुँह खुलने से पहले ही बंद हो जाएंगे। लोगों के मुँह खुलने से तो बंद नहीं करवा सकते ना बाबा, ये फैसला शायद वक्ती तौर पर हम सबको मिला दे लेकिन आगे चलकर शायद हमारे दिलों को ना मिला पाए। अगर ऐसे हालात में ये शादी हो गई तो मैं उम्र भर रेहान को नहीं भुला पाऊंगी। अभी मैं अनिला से कैसे शादी कर सकता हूँ, मैंने कभी उसे इस नज़र से देखा ही नहीं। नज़र और नज़रिया बदलने में वक्त नहीं लगता, तुम अपने बारे में नहीं हमारे बारे में सोचो। अनिला को इस नज़र से देखो तो सही। सच कहूँ तो मैंने कभी नबील को इस नज़र से देखा ही नहीं। मैं जब जब नबील को देखूँगी मेरे दिल में यही ख्याल आएगा कि मेरी उससे शादी मजबूरी में रेहान की वजह से हुई है। मैं उसके साथ रहकर भी तन्हा रहूँगी, सारी ज़िंदगी बेकैफ गुजारूँगी, ना चाहते हुए भी उम्र भर उसकी एहसान मंद रहूँगी। मैं आयशा को पसंद करता हूँ अम्मी, और मैं उससे कमिटमेंट भी कर चुका हूँ। आयशा? जी अम्मी, आयशा मेरी क्लास फेलो है और मैंने उससे वादा किया था कि जिस दिन मेरी जॉब लगेगी मैं उसके घर पर रिश्ता भिजवाऊँगा, लेकिन उसी दिन अनिला की शादी की बात चल पड़ी। मैंने सोचा था कि अनिला की शादी पर उन्हें इनवाइट करूँगा और फिर आपको मिलवाऊँगा, लेकिन वक्त ने ना साथ दिया और ना मोहलत। शायद वक्त कुछ और ही मंजूर था। बेटा वक्त के इशारे को समझो। तुम समझो फरखुंदा, तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हो? मजबूरी में सिर्फ वक्त कटता है, जिंदगी या रिश्ते नहीं। और ये तुमसे ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है फरखुंदा, तुम नबील को इस तरह प्रेशराइज करके फिर से वही गलती कर रही हो जो तुमने एक बार पहले की थी। गलती? कैसी गलती? बस जी, अल्लाह को जो मंजूर। चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह को यही मंजूर था। अब्बा ने जितनी बीमारी और तकलीफ उठाई है शायद उनकी आंखें मूंद लेना ही उनके लिए बेहतर था। अब्बा जी की तकलीफें तो उनके जाने के साथ ही ख़त्म हो गई, लेकिन मेरी तकलीफें और बढ़ गईं। अहमद, सब ठीक हो जाएगा, आप अपने आप को टाइम दें। सही सोच के तो खुद को इतना वक्त दे दिया मगर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। मैं कुछ समझी नहीं। देखो फरखुंदा, तुम शरई लिहाज से और माशरती लिहाज से तो मेरी बीवी हो, मगर शादी को 2 साल गुजरने के बावजूद भी मैं तुम्हें कबूल नहीं कर पा रहा, और शायद ही अब कभी कर पाऊँ। तुम जानती हो ना कि मेरी तुमसे शादी ज़ोर ज़बरदस्ती और इमोशनल ब्लैकमेल करके करवाई गई, और ये 2 साल भी हमारे सिर्फ अब्बा जी की वजह से ही एक साथ गुजरे हैं, और अब्बा जी के जाने के बाद तो हमारा गुजारा भी मुश्किल है।
आपके वालिद साहब का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। आपने कभी उनकी बीमारी का जिक्र नहीं किया। देखो अजीज, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैंने तुम लोगों को कभी नहीं बताई। मैं तो कभी फरखुंदा से शादी भी नहीं करना चाहता था, बस वालिद साहब की खुशी के लिए हाँ कर दी। अहमद भाई, नसीब की बात है, किसका रिश्ता कहाँ जुड़ जाए, कब जुड़ जाए, कुछ पता नहीं होता। मैंने बहुत कोशिश की मगर मैं फरखुंदा को अपनी बीवी कभी कबूल नहीं कर पाया, और अब वालिद साहब की वफात के बाद तो शायद मैं ये कोशिश जारी भी ना रख सकूं। आप कहना क्या चाहते हैं, ज़रा खुल के बताएंगे। देखो अजीज़, फरखुंदा जवान है, उसके आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है, वो चाहे तो अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर सकती है। आपको पता है आप कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। मैंने तो अपने वालिद साहब को भी समझाने की बहुत कोशिश की थी मगर उन्होंने मेरी एक नहीं मानी और फरखुंदा से मेरी शादी ज़बरदस्ती कर दी और तहमीना से मुझे अपनी शादी को छुपाना पड़ा। मगर अब मैं तहमीना के साथ अपनी शादी को छुपाना नहीं चाहता और फरखुंदा के साथ तहमीना रहना नहीं चाहती। बस अहमद भाई बस, फरखुंदा आपके लिए मजबूरी हो सकती है लेकिन मेरे लिए ज़िम्मेदारी है, मैं अपनी ज़िम्मेदारी निभाना खूब जानता हूँ। मैं आया तो आपके वालिद साहब की ताज़ियत के लिए था लेकिन जाते हुए तमाम रिश्ते दफना के जा रहा हूँ। सामान पैक करो आपका। जब भाई मुझे घर लेकर आए थे तो मुझे पता चला कि तुम दुनिया में आने वाले हो, और हमने अहमद से कांटेक्ट करने की इतनी कोशिश की मगर उसने तुम्हें ना अपनाया बल्कि मानने से भी इनकार कर दिया। जब भी तो हमने तुमसे झूठ बोला कि तुम्हारे वालिद वफात पा गए। मुझे माफ़ कर दें मामी, मैं बहुत खुदगर्ज़ हो गया था, मुझे अपनी गलती का एहसास है और मुझे आप लोगों का हर फैसला मंजूर है, हर फैसला मंजूर। तो फिर ठीक है, तुम शादी की तैयारी करो, हम तुम्हारी शादी करेंगे। पर अनीला? अनीला को क्या हुआ? अनीला से पूछना तो चाहिए था ना। मैं पूछूंगी तो सही लेकिन अनीला से नहीं, आयशा से, कि उसे इतनी जल्दी शादी करने में कोई मसला तो नहीं, क्योंकि आयशा और नबील की शादी उसी दिन होगी जिस दिन अनीला की होनी थी। कहाँ जा रहे हैं आप? चाबी तो मेरे पास है, इस लॉक की भी और इस तोते की भी। अरे अनीला, यार क्या सोचेगी आयशा, पहले ही दिन ससुराल वालों ने इसे लॉक कर दिया। देखो नबी, ये लॉक तो खुल जाएगा लेकिन इसके लिए ना तुम्हें अपनी जेब का लॉक खोलना पड़ेगा। तुम रिश्वत खोरों को ना सच में जेल में ही होना चाहिए। सच कहते हैं वैसे कि कजन ना बीवी के आते ही दोस्त बदल लेते हैं। कहाँ जा रहे हो? अब क्या है, मुंह दिखाई के लिए तो तुमने कुछ लिया नहीं होगा, पहली तनख्वाह के आने का वेट करोगे क्या? ये लो।
थैंक यू सो मच, सो स्वीट। आई थिंक मामा तुम्हें आवाज लगा रहे हैं। को को जाओ। मुझे पता है कि अब तो मुझे भगाया ही जाएगा। ये मोदी खाई का तोहफा अब तक भिजवाया गया है अनिला के तावन। थैंक यू, बहुत खूबसूरत है। अनिला खुश तो है ना? वो सबकी खुशी में खुश रहना जानती है। और आप? मैं तो जब जब आपको खुश देखता हूँ तो मुझे भी खुशी होती है। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं। लोग तुम्हें अपने महबूब से तशबीह देते हैं, अपनी गजलों में तुम्हारे नाम के अशआर लिखते हैं, लेकिन किसी को क्या पता कि रात की तारीकी में चमकने वाला चांद किस कदर तन्हा रहता है। चाय। शायर ने भी क्या खूब कहा है, रात की तारीकी में तुम भी तन्हा हो मेरी तरह। कभी कभी अपने से वाबस्ता लोगों की खुशी के लिए आपको अपने गम और आंसू छुपाने पड़ते हैं। मैं मुतमईन हूँ कि जो भी फैसला हुआ दुरुस्त हुआ और हम सब के लिए बेहतर हुआ। कम से कम तारीख ने अपने आप को दोबारा नहीं दोहराया। वो माजी है जो बीत गया। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। कई बार जिंदगी में आगे बढ़ने से बेहतर होता है कि ठहर जाए, रुक जाए, जिंदगी को सुकून मिले और वो बेहतर फैसला कर सके। अब आप भी भूल जाए ना सब, कब तक याद रखेंगे? कब तक उदासी को अपनी हयात का शरीक बना के रखेंगे? ये तो खुद ही बिन बुलाए मेहमान बन गई है, और मेहमानों को भला कौन जाने के लिए कहता है। जब जी चाहे साथ छोड़ जाए, तन्हाई भी है लोगों की तरह। अच्छा जी, अब चाय बताओ कैसी है। टी इज फैंटास्टिक। आयशा, ये तुम किचन में क्या कर रही हो? तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है और ये सब काम, इन सब कामों के लिए मासी है ना, वो बस आती ही होगी। मामी, जब काम वाली आएगी तो आप उसे घर के बाकी दूसरे काम करवा लीजिएगा। मैं नहीं चाहती मेरे होते हुए किचन में कोई और दखल अंदाजी करे। मत मारी गई उसकी, लेकिन बेटा कुछ रस्म और रिवाज भी होते हैं ना, लोग क्या बातें बनाएंगे। मामी, ये सब रस्म और रिवाज हमारे ही बनाए हुए हैं। हाँ, और लोगों की फिक्र तो आप छोड़ दें, क्योंकि लोगों का तो काम ही बातें बनाना है। उन्हें तो टॉपिक चाहिए होता है दिन गुजारने के लिए। पता नहीं बेटा तुम कौन सी बुक पढ़ाई हो, लेकिन बहुएं ऐसी नहीं होती। मैं बहू बनने भी नहीं आई, मैं यहाँ पे बेटी बन के आई हूँ मामी। और जब बहू बेटी बन जाएगी तो फिर मामी को भी तो माँ बनना ही पड़ेगा ना, और अगर ऐसा हो गया तो दुनिया के सारे मसले हल हो जाएंगे। क्यों? और तू तू मैं का क्या है, वो तो हर माँ बेटी के बीच होती रहती है। बिल्कुल। अच्छा आप ऐसा करें, अम्मी के पास जाएं, मैं जल्दी से नाश्ता बना के लेके आती हूँ। भाई मैं क्यों, हम नाश्ता बना के लेकर आते हैं। ठीक है भाई, जैसे तुम लोगों की मर्जी। आटा आटा गूंद लो, मैं जब तक चीज़ें देख लेती हूँ, बर्तन वगैरह, और चाय चढ़ा देती हूँ। ओके, ठीक है।
चाय। अरे वाह, आज तो महारानी साहिबा सुबह जल्दी उठ गई थी और मैंने सुना है कि नाश्ता भी बनाया था। जी बिल्कुल, लेकिन अभी चाय अनीला ने बनाई है। पता है मुझे, अरे हम सब तो दीवाने उसकी चाय के। नबील, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। अगर आपने मुझसे कमिटमेंट ना की होती तो क्या आप अनीला से शादी कर लेते? सच तो ये है कि मैंने तो तुमसे कमिटमेंट के बावजूद भी अनीला से शादी के लिए रजामंदी कर ली थी। तो फिर हुई क्यों नहीं? अनीला ने मना कर दिया था क्या? आयशा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और इस घर के सभी फर्द मुझसे बेहद मोहब्बत करते हैं और उन्होंने मेरी मोहब्बत को जानते हुए ही बड़ी मोहब्बत से तुम्हारा रिश्ता मांगा था। मैं इन सब की मोहब्बत का मान रखूंगी। जितना बड़ा एहसान उन लोगों ने हम पर किया है, उनका मान रखने के लिए हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। जी भाई साहब, तो कैसे आना हुआ? आप लोगों ने तो मुड़ के पूछा भी नहीं। दरअसल भाई, जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। शर्मिंदगी की वजह से हम हौसला नहीं कर पा रहे थे आप लोगों का सामना करने का। शर्मिंदगी खत्म हो गई या हौसला आ गया? दरअसल भाई, रेहान ने जो किया वो गलत किया, इस बात का एहसास उसे भी है। तो दरअसल हम चाह रहे थे कि रेहान ने जो गलती की है हम उसको सुधार लें। गलती सुधार लें? मैं समझा नहीं कुछ। भाई दरअसल रेहान को अब ग्रीन कार्ड मिल चुका है, अब उसके नौकरी का भी मसला नहीं है और ना ही उसके आने जाने का। तो हम एक बार फिर अनीला का हाथ मांगने आए हैं रेहान के लिए। और उसकी गोरी बीवी, अब उसको कोई एतराज़ नहीं होगा। वो भाई, उसने रेहान को छोड़ दिया। रेहान ने ग्रीन कार्ड की लालच में उस गोरी से शादी कर ली बगैर ये सोचे समझे कि एक मुद्दत से यहाँ पे कोई उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। और जब वो गोरी उसको छोड़कर चली गई तो आज फिर से हमारी बेटी याद आ गई। लेकिन आप लोग मेरी एक बात समझ लें, हमारी बेटी हरगिज हम पर बोझ नहीं है। वो तो एनजीओ के जरिए ऐसी लड़कियों को अपना खुद से सहारा बनना सिखा रही है जिसे आप जैसे लोग बीच रास्ते छोड़ जाते हैं। आप लोग जाइए यहाँ से, मेरी बेटी को खिलौना नहीं है कि जब आप लोगों का दिल करे रिश्ता जोड़ लें और जब दिल करे रिश्ता तोड़ दें। जाइए प्लीज। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाए। शादी लड़के और लड़की का बुनियादी हक है और जिंदगी के इतने बड़े फैसले में उनकी रजामंदी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी अपनी बेटियों की तरबियत में ही गुजार देते हैं, लेकिन कोई अपने बेटों को नहीं समझाता कि दूसरे घर से आई हुई बेटी का ख्याल कैसे रखना है।